वेलकम गाइस, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि आज मुझे लगाना था मूली और गाजर का अचार। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने रख दिया कद्दूकश करके। ये है मूली और गाजर, इसको कद्दूकश करके इसे पानी निकाल के इस प्लेट में रख दिया है। दूसरी तरफ रखी है ये मूलियाँ, इसको बड़ी बड़ी काट के इसको हमने 2-3 धूप लगा दिया। और यहाँ पर रखा है कढ़ाई में तेल, इसको मैंने गर्म किया था, अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख लिया है। गाइस, जब तक यहाँ ये तेल ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपने मसाले पीस सकती हूँ। इनमें मसालों में है, ये है कलौंजी, मैंने रखे अजवाइन, ये है काली सरसों, ये है पीली सरसों, और ये मिक्स मसाला है जिसमें है सौंफ, मेथी, काली मिर्च। बस इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, इनको मैं पीसूंगी, इनको मैं पीसूंगी नहीं, इनको मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो बस अभी इन मसालों को पीसते हैं। आपको इन्हें ना ज्यादा बारीक नहीं, बस दरदरा सा पीसना है। देख लो गाइस, आपको बस इसे ना इतना दरदरा सा पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। तेल हो गया था ठंडा, मैंने फिर से ऑन कर लिया है और इसे रख दिया है लो फ्लेम पे। और इसमें मैं अभी ये डाल दूंगी, ये सारे मसाले। इसमें मैं डालूंगी सारे मसाले, साथ में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़े से धनिया पाउडर। बस इनको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए रख देंगे। तो इसको ज़्यादा भुनना नहीं है, अब हो गया। इसमें हम डालेंगे ये गाजर और मूली को, जिसको हमने कद्दूकस करके रखा था। आपको ना ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि इसमें कोई पानी ना आए। बस इसको डाल देना है। ये अचार ना इंस्टेंट अचार होता है, बस लगाओ और महीने के अंदर ख़त्म कर लो। तो बस अभी हम लगाएंगे ये अचार। मैंने अभी सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब इसे ज़्यादा देर गैस पे नहीं रखना है। मैं गैस कर दूंगी बंद, और इसमें मैं डालूंगी ये खट्टा। अभी खट्टे का रस मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, इसमें मैं निकाला था मैंने 2 खट्टे का है ना, और इसको थोड़ा सा उबाल के रख दिया था। तो बस ये खट्टा मैं डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा मैं दूसरे के लिए रख दूंगी, अभी हमको दूसरा अचार भी लगाना है। तो बस इसको हम कर देंगे मिक्स। गाइस, आप भी ये अचार ज़रूर लगाइए, एकदम एक तो बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो जो भी अचार लगाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि उनका ये अचार कैसा लगा था। अब हम लगाएंगे इन मूलियों का अचार। इसको मैंने काट के रख दिया था ना, इसको हमने 2-3 धूप लगा दी है, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से धूप लगाना है, और इसमें भी बस वही सेम मसाला डाल देंगे। इसमें कलौंजी, सरसों हमने सब मिक्स करके रख दिया, ये है अजवाइन, तो इसमें हम डालेंगे ये सारे मसाले। और बस वही सेम डालेंगे 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए ना, तो कलर थोड़ा अच्छा आता है, तो थोड़ी सी देगी मिर्च, और ये है धनिया पाउडर। बस फिर इसमें हम डालेंगे ये खट्टा जो हमने दूसरे से थोड़ा बचाया था, ये हम डाल देंगे इसमें। और ये हमने तेल रखा था थोड़ा गर्म हुआ अभी ठंडा होने के लिए, तो मैं इसमें डाल दूंगी। फिर हम डाल देंगे ये तेल, बस आपने इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अचार लग गया, इसे हम डाल देंगे इस डब्बे में।
लग गया ये हमारे मूली का अचार। आपको इसे 2-3 धूप लगाने हैं और 10-15 दिन वेट करके फिर आपको इसे खाना है। गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये अचार कैसा लगा। तो गाइस ये अचार भी हमारा हो गया है, मतलब थोड़ा गर्म है तो मैं इसके ठंडी होने का वेट कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं भर दूँगी इस डब्बे में। और ये इंस्टेंट अचार है, आप इसे बस अभी खा सकते हो, आप इसे कल से खाना शुरू कर सकते हो। तो किसी को भी बहुत जल्दी में अचार बनाना है तो बस ऐसे इंस्टेंट अचार बनाएं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपका ये अचार कैसा लगा। तो गाइस हमारा अचार का काम हो गया है ना, तो अभी हम बना रहे थे डिनर। डिनर के लिए बना रहे हैं चपातियाँ। सब्जी हमने पहले ही बना के रख दी थी, आज हमने बनाए हैं मिक्स वेज। तो बस अभी हम गर्म गर्म चपाती बनाएंगे और सबको डिनर सर्व करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट डे। आप देख सकते हो कितना खराब मौसम हुआ है, मतलब बादल बादल हुए हैं। आज बताइए बारिश के लिए। तो मैं बस यूँ ही बाहर थोड़ी देर टहल रही थी, अभी बज रहे हैं 7, तो मुझे जाना है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट बनाने से भी बड़ा टास्क ये है कि क्या बनाना है। बस मैं यहाँ घूमते घूमते यही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, तो कैसे कोई डिसाइड होता है। वैसे मैं जाऊंगी किचन में और फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस मिलते हैं नीचे किचन में। तो गाइस सबसे पहले मैं पीऊंगी गर्म पानी और फिर बनाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। तो गाइस मैंने सोचा कि बनाएंगे गोभी के परांठे, क्योंकि मैं अगर गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी तो कोई नहीं खाएगा। तो ये चढ़ा दिए मैंने रौंगे की दाल दिन के लिए। और बस ले जा रही थी बच्चों के लिए दूध, कि परौंठे तो ऐसे है ना कि गर्म गर्म अच्छे लगते हैं। तो जब सब खाने लगेंगे तभी मैं बनाऊँगी, तो तब तक नहा धो लेते हैं और बस मैं इन बच्चों को दूध ले जाती हूँ और फिर फ्रेश होके फिर किचन में आती हूँ। तो गाइस ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट तैयार, गोभी के परौंठे, ये जो अचार जो हमने शाम को बनाया था और साथ में चाय। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम बाहर घूम रहे थे। बहुत ठंडे का जब मौसम देख सकते हो, कभी भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे मुझे बहुत कपड़े धोने को थे तो मैं धो नहीं रही हूँ, क्योंकि बारिश आएंगे तो वैसे सूखेंगे नहीं और यूं ही पड़े रहेंगे। तो बस कुछ काम करने के लिए है नहीं, तो बस अभी कुछ देर में बाहर घूमूंगी। और मुझे लगता नहीं कि ब्लॉग शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया ना, क्योंकि कल ये पिछले कल से चला है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इसके आगे का जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लगाऊंगी। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग।